आपको बताऊंगा नहीं, आप देख लीजिए। तो इसका क्या होगा सही आंसर? इसका आंसर है सी नंबर, यानी कि भरत चक्रवर्ती। भरत से नाम पड़ा था भारत का, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन 2 नंबर, कि भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? देख लीजिए आप, मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, मद्रास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुंबई। मुंबई सबसे बड़ा शहर है, ठीक है, और महाराष्ट्र में मुंबई पड़ता है, ये बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों को पता ही होगा। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? सबसे बड़ा राज्य कौन सा है दोस्तों? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, फिर राजस्थान या फिर मध्य प्रदेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी कि राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है और सबसे छोटा राज्य है गोवा, क्षेत्रफल की दृष्टि से याद रखेंगे। और जनसंख्या की दृष्टि से अगर कहा जाता है तो उत्तर प्रदेश हो जाता है सबसे बड़ा जनसंख्या की दृष्टि से, और सबसे छोटा हो जाता है जनसंख्या की दृष्टि से सिक्किम, याद रखेंगे। जनसंख्या के सबसे छोटे हो जाते हैं सिक्किम, ठीक है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं 4 नंबर क्वेश्चन, कि भारत में कुल कितने राज्य हैं? कुल कितने राज्य हैं? 29 राज्य हैं। इसे आप इजी ना समझिए दोस्तों, इस जो ये जो सेट में क्वेश्चन बता रहा हूँ इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है और लड़के कन्फ्यूज करते हैं, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन आते जाएंगे तो आपको देख के समझ में आ जाएगा। लास्ट राज्य कौन बना था? तेलंगाना बना था, जो कि आंध्र प्रदेश से कटकर बना था तेलंगाना, 2 जून 2014, डेट भी याद रखेंगे, ठीक है, 2 जून 2014 को। नेक्स्ट है, भारत का सबसे लंबा नदी कौन सा है? गंगा नदी है। सबसे लंबी नदी कौन है? गंगा नदी है, ठीक है। और ये कोसी जो आप देख रहे हैं, कोसी, कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है। और बंगाल का शोक किसे कहा जाता है? आप कमेंट में बताएंगे हमें, कमेंट में बताइए बंगाल का शोक किसे कहते हैं। नेक्स्ट है, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? सबसे चौड़ी नदी याद रखेंगे ब्रह्मपुत्र, बहुत से दोस्तों को इसमें कन्फ्यूजन हो जाएगी एग्जाम में, ठीक है, याद रखेंगे ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन है? सबसे ऊंची मीनार कौन है दोस्तों? तो ए नंबर, 4 मीनार, ठीक है, याद रखेंगे 4 मीनार सबसे ऊंची है, सबसे ऊंची मीनार। नेक्स्ट है, भारत का, इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है, 4 मीनार नहीं, सबसे ऊंची मीनार कुतुब मीनार है, कुतुब मीनार, थोड़ा सा देख लीजिएगा, यही सही है, कुतुब मीनार है सबसे ऊंचा, कन्फ्यूजन नहीं होना है। नेक्स्ट है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? सी नंबर, हीराकुंड बांध, जो कि उड़ीसा में पड़ता है, उड़ीसा में है हीराकुंड बांध, याद रखेंगे। नेक्स्ट है कि भारत का सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? भारत की लंबी सुरंग कौन सी है? सबसे लंबी सुरंग बी नंबर, जवाहर सुरंग सबसे लंबी सुरंग है, जो कि जम्मू कश्मीर में पड़ता है जवाहर सुरंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंची मूर्ति कौन है? भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन है? ये थोड़ा पुराना क्वेश्चन है, गुमतेश्वर इसका आंसर होगा। अभी कौन है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है, जो कि गुजरात में बनाई गई है, नर्मदा डिस्ट्रिक्ट में, याद रखेंगे। और उसकी हाइट कितनी है ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित की गई थी? महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित की गई थी? 1916 में महिला विश्वविद्यालय स्थापित की गई थी। और भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कौन सा था? कौन सा विश्वविद्यालय था? तो वन स्थली विद्यापीठ, सी नंबर जो है, वन स्थली विद्यापीठ, ठीक है। नेक्स्ट है, वही है, उसी टाइप का क्वेश्चन है कि महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित की गई थी? तो कहाँ स्थापित की गई थी? मुंबई में, मुंबई में की गई थी, ठीक है। दोस्तों, बहुत से दोस्तों ने हमसे पूछा था कमेंट में कि कैसे तैयारी करें सर, एग्ज़ाम आ गया है। तो मैं बताता हूँ दोस्तों कि जोर एकदम लगा दीजिए, पूरा दम आखिरी दम तक लगा के पढ़िए, जितना टाइम हो सकता है निकालिए, और ज़्यादातर ध्यान दीजिए मैथ रीजनिंग, मैथ रीजनिंग पे जो है ज़्यादा कमांड कीजिए। ये मैथ रीजनिंग ही जो है आपको पूरा पूरा नंबर दिलवाएगा। ये जो जीके देख रहे हैं आप, जीके, हिंदी, ये सब में नंबर आपका कन्फ्यूजन भी रहता है, और मैथ रीजनिंग में परफेक्ट आपको नंबर मिलता है। सबसे ज़्यादा अगर देखना है दोस्तों तो रीजनिंग देखिए, रीजनिंग, ठीक है, उसके बाद मैथ देखिए अभी, और जितना टाइम हो सकता है निकाल के पढ़िए, जितना टाइम हो सकता है, क्योंकि अब 6-7 दिन ही बच गया है एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली कौन महिला थी? बछेंद्री पाल थी, बछेंद्री पाल, याद रखेंगे। और दूसरी बार, 2 बार लगातार चढ़ने वाली, संतोष यादव, ठीक है। ये सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है दोस्तों, इजी ना समझिए इसे, ठीक है। अगर लगता है आपको कि बहुत इजी क्वेश्चन है ये बता रहे हैं सर, तो ऐसा नहीं है, ये सब क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है। और एवरेस्ट की ऊंचाई अगर कहा जाए तो 8,850 मीटर, ठीक है, और तिब्बत में कोमोलंगमा कहते हैं इसे, और नेपाल में सागरमाथा। नेक्स्ट है, भारत की प्रथम महिला IPS कौन थी? IPS कौन थी पहली? किरण बेदी, किरण बेदी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? प्रथम राज्यपाल कौन थी? भारत की प्रथम राज्यपाल कौन थी दोस्तों? तो सरोजिनी नायडू थी, ठीक है। नेक्स्ट है 18 नंबर क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? तो सी नंबर, M फातिमा बीवी थी, ठीक है। मैं जल्दी जल्दी पढ़ता जा रहा हूँ, लंबा वीडियो बन जाएगा।
इसी चलते आप देख लीजिएगा धीरे धीरे। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे, लॉर्ड माउंटबेटन। इसी में क्वेश्चन रहता है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तो सी राजगोपालाचारी हो जाता, भारतीय अगर लगा हुआ होता तो। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन बना? प्रथम प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो जवाहरलाल नेहरू बने थे, जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू ने प्रथम प्रधानमंत्री कब बने थे? वो प्रथम प्रधानमंत्री जो बने थे कब बने थे? ये जो है सबसे लंबे कार्यकाल तक भी प्रधानमंत्री का रिकॉर्ड जो है इन्हीं के नाम पर है, सबसे अधिक दिनों तक यही प्रधानमंत्री रहे थे। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि 15 अगस्त 1947 को। नेक्स्ट है, भारत के प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी? इंदिरा गांधी बनी थी, सी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन था? भारत का प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, ये सबका भी क्वेश्चन है, जैसे कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ये उपराष्ट्रपति बने थे पहला, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, देख लीजिए कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो रविन्द्रनाथ टैगोर थे, रविन्द्रनाथ टैगोर को 1914 में मिला था नोबेल पुरस्कार गीतांजलि के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? प्रथम अध्यक्ष कौन था दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा डब्ल्यू सी बनर्जी, यानी कि योमेश चंद्र बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? राकेश शर्मा, राकेश शर्मा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? प्रथम भारतीय महिला कौन थी दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली? तो रानी कौशल धर्मसट्टू, रानी कौशल धर्मसट्टू। इसे कोई भी ट्रिक या कुछ भी लगा कर दोस्तों याद कर लीजिए, एग्जाम में पूछता है ये सब क्वेश्चन, आपको लगेगा कि इस कैसा क्वेश्चन है ये सब, लेकिन इसी टाइप का क्वेश्चन आता है एग्जाम में, दो तीन क्वेश्चन तो जरूर, दो क्वेश्चन तो रख लीजिए आप। नेक्स्ट है, भारत में निर्मित प्रथम भारतीय फिल्म जो है वो कौन सी थी? प्रथम भारतीय फिल्म कौन सी थी? तो राजा हरिश्चंद्र थी। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर क्वेश्चन कि भारत में प्रथम भारतीय फिल्म मौनी सिनेमा राजा हरिश्चंद्र कब निर्माण हुआ था? कब निर्माण हुआ था राजा हरिश्चंद्र की? तो आपके सामने ऑप्शन है, इसका आंसर हो जाएगा 1913। ठीक है, 1913 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का अंग्रेजी नाम इंडिया की उत्पत्ति किस देश से हुई है? ठीक है, किस देश से हुई है तो बताइए आप, तो ये सिंध से हुई है, सिंध शब्द से हुई है, सिंधु शब्द, इंडिया की उत्पत्ति सिंधु शब्द से हुई है। नेक्स्ट है कि भारत खंड भारत का क्या है? भारत खंड भारत का क्या है? तो ये दूसरा नाम है, भारत का दूसरा नाम है भारत खंड, भारत को खंड खंड कर दिया गया है अलग अलग राज्य बनाकर, तो इसी से याद रखेंगे। नेक्स्ट है कि कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था क्या है? कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या है? तो वो क्या है? रीढ़ है। ठीक है, याद रखेंगे, कृषि जो है रीढ़ है, बी नंबर ऑप्शन जैसा कि। नेक्स्ट है कि भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो मैंने अभी आपको बताया था कौन है सबसे कम जनसंख्या वाला, इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि कौन है सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य। नेक्स्ट है कि प्रथम भारतीय रंगीन फिल्म कौन है? रंगीन फिल्म कौन है? ये सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये सब प्रश्न है दोस्तों। ठीक है, आपको याद कर लेना है, अगर याद किया है तो आप ये वीडियो देखते होंगे तो आपको देख ही रहे हैं तो आपको याद होता जाएगा, रिपीट हो जाएगा, फिर से एक बार रिवाइज हो जाएगा तो अच्छे से याद हो जाएगी, गलती नहीं होगा एग्जाम में। तो इसका आंसर हो जाएगा कि क्वेश्चन क्या है कि प्रथम भारतीय रंगीन फिल्म, तो बताइए अगर पता है तो, रंगीन फिल्म कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा झांसी की रानी। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, मैं लिख देता हूँ यहाँ, आपको याद रहेगा कि झांसी की रानी, याद रखेंगे दोस्तों झांसी की रानी। अभी जो है झांसी की रानी पर ही एक मूवी आ रही है मणिकर्णिका, तो झांसी की रानी जो है रंगीन फिल्म थी। नेक्स्ट है लाइफ टाइम अचीवमेंट के ऑस्कर पुरस्कार विजेता, लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए ऑस्कर पुरस्कार विजेता कौन थे भारत के प्रथम? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, सत्यजीत रे, सत्यजीत रे काफ़ी फेमस कलाकार थे ये। नेक्स्ट है कि भारत के प्रथम वायसराय, प्रथम वायसराय कौन थे भारत के? भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग, याद रखेंगे लॉर्ड कैनिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। नेक्स्ट है भारत की
केंद्र सरकार की प्रथम महिला मंत्री कौन थी? केंद्र सरकार की प्रथम महिला मंत्री राजकुमारी अमृता कौर, राजकुमारी अमृत कौर, अमृता कौर है, अमृत लिखा गया है यहाँ, अमृता कौर याद रखेंगे। नेक्स्ट है, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री, प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी भारत की? तो वो श्रीमती सुचेता कृपलानी थी, जो कि उत्तर प्रदेश की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? महिला राष्ट्रपति कौन थी, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, ए नंबर ऑप्शन, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल याद रखेंगे। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल अभी जो है, अभी कौन है राष्ट्रपति, अभी राष्ट्रपति कौन है आप बताएं कमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इससे पहले जो है राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी थे, और उससे पहले प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी, ठीक है, अभी राष्ट्रपति कौन है आप कमेंट में बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष, प्रथम अध्यक्ष कौन थे लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष? तो जेवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर इनका पूरा नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शतरंज में प्रथम विश्व चैंपियन भारतीय, शतरंज में प्रथम विश्व चैंपियन भारतीय कौन थे? विश्वनाथन आनंद, काफ़ी नाम है इनका, बहुत ज़्यादा फेमस व्यक्ति हैं ये, विश्वनाथन आनंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र है, कागज रहित समाचार पत्र कौन है इसमें से आप देखिए ऑप्शन, तो इसका आंसर हो जाएगा द न्यूज टुडे, द न्यूज टुडे इसका सही आंसर है। इसमें से तो हमें भी बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर नहीं पता थे दोस्तों, हमने देखा तो फिर याद हुआ इसका, तो आप लोग भी अगर देखिएगा अच्छे से तो याद हो जाएगा, और एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है इस सबसे क्वेश्चन याद रखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोहरा शतक बनाने वाली प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी? ऑप्शन है आपके सामने देख सकते हैं आप, तो इसका सही आंसर क्या है, ए नंबर, यानी कि मिथाली राज, मिथाली राज जो भारतीय टीम की कप्तान भी है। नेक्स्ट है कि भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र द न्यूज टुडे कब शुरू हुआ था, न्यूज टुडे कब शुरू हुआ था? तो 2001 में, 3 जनवरी 2001, 3 जनवरी 2001 डेट याद रख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 45 नंबर क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नियुक्त प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन थे? तो वो कौन थे, डॉक्टर नागेंद्र सिंह, ए नंबर ऑप्शन, डॉक्टर नागेंद्र सिंह थे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नियुक्त प्रथम भारतीय न्यायाधीश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक की उप गवर्नर बनी प्रथम महिला है कौन है, उप गवर्नर प्रथम महिला, तो के जे उदेसी, के जे उदेसी याद रखेंगे, के जे उदेसी। नेक्स्ट है, प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष, प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? तो वो मीरा कुमार थी, मीरा कुमार अभी भी जो है महिला ही है लोकसभा अध्यक्ष, सुमित्रा महाजन, और पहला जो थी मीरा कुमार थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे पहला गृह मंत्री कौन थे, सबसे पहला गृह मंत्री कौन थे, गृह मंत्री दोस्तों बताइए आप लोग, तो आंसर हो जाएगा सी नंबर, सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो कौन थे, सी बी रमन थे भौतिक में नोबेल पुरस्कार पाने वाले। और लास्ट क्वेश्चन और आज का आखिरी क्वेश्चन है कि चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार पाने वाले भारतीय कौन थे, प्रथम भारतीय कौन थे चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार पाने वाले? तो डॉक्टर हरगोविंद खुराना, जिनके जिनकी खोज के लिए इन्हें मिला था नोबेल पुरस्कार। तो यहाँ खत्म हो जाते हैं दोस्तों 50 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, जो कि आपने देखा ही होगा ऐसा प्रश्न एग्जाम में पूछा ही जाता है। आपको लगता होगा कि ये प्रश्न ईजी है, लेकिन ऐसा प्रश्न ही एग्जाम में आता है, एक दो प्रश्न आ जाएगा, आप लोग नाम देख कर कन्फ्यूज कर जाओगे, तो याद कर लीजिए अच्छे से, इससे प्रश्न जरूर बनेगा, ठीक है। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, जुड़ जाए हमारे साथ, क्योंकि ये जो आप इसमें जो वीडियो बनाते हैं दोस्तों इस चैनल में, तो सिर्फ SSC GD के लिए बनाते हैं हम लोग, अभी SSC GD की ही चल रही है, तो हम लोग पूरा ध्यान दे दिए हैं कि इस साल आप लोगों को नौकरी दिला ही देना है, कोई कंजूसी नहीं करना है, ठीक है। तो मिलता हूँ दोस्तों अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।